उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी मेरी माँ को हुई थी। हम चैनल का मारूफ पसंदीदा ड्रामा इश्क मुर्शिद ने अपनी तमाम रानाइयाँ बिखेरने के बाद हैप्पी एंडिंग कर ली है और पसंदीदगी के आलम को देखते हुए इसकी आखिरी किस्त को सिनीमैक्स सिनेमा पर दिखाया गया, मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा देखने को ना मिला। पहले दो शोज़ और दूसरे दिन का एक शो मिलाकर 2.25 लाख का बिजनेस करने वाले इस ड्रामे की आखिरी किस्त कोई तारीफी जुमले ना बना सकी। इसे उन्हीं लोगों ने सिनेमा पर देखा जो पहला शो देखकर फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़्यादातर आबादी ने इसे टीवी पर नशर करने पर ही देखने को तरजीह दी। कुछ अक्लमंद लोग मेरे पास तुम्हों का हाल देख चुके थे, सो उन्होंने पैसा खर्च करने से गुरेज किया। इश्क मुर्शिद की आखिरी किस्त का अंजाम पहले ही से मुख्तलिफ रिव्यूज़ चैनल्स ने बता दिया था, जो हूबहू वैसा ही निकला, बोरिंग और कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि इसके अलावा इसका अंजाम कुछ और हो भी नहीं सकता था। मजमूई तौर पर इसकी तमाम 31 इकसात बेहतर रहीं, मगर OST की वजह से इस ड्रामे ने ज़्यादा पसीराई हासिल की, जबकि दूसरी बड़ी वजह बिलाल अब्बास भी थे जिन्होंने डबल रोल किया। बाकी मानदा किरदार अपनी जगह ठीक रहे। अब इश्क मुर्शिद पार्ट 2 की बाज़गश्त भी सुनने को मिली है, जो ख़ुद बिलाल अब्बास ने ड्रामे के एंड में साफ इशारा भी दिया है।